इफ आई कांट पिक्चर इट आई कांट अंडरस्टैंड इट। अल्बर्ट आइंस्टाइन। वेलकम स्टूडेंट्स, रे ऑप्टिक्स में स्फेरिकल सरफेस रिफ्रैक्शन के बाद आज हम थिक लेंसेज की बात करेंगे। जनरली लेंसेज की थिकनेस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। थिन लेंसेज जो हम इसके बाद चैप्टर लेंगे वो एक थिक लेंसेज का एक अप्रोक्सीमेशन है, बट थिक लेंसेज की एक्चुअल एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस आईटी के स्कोप से बाहर है। केवल एक जनरल प्रिंसिपल जो अभी तक हम सीखते आए हैं या यूज करते आए हैं, जब मल्टीपल इवेंट्स होंगी ऑप्टिक्स में, या एक के बाद एक डिवाइसेस होंगी या एक के बाद एक रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन टेंडम में होंगी, तब पहली इवेंट की इमेज दूसरे इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इस प्रिंसिपल पर ही हम थिक लेंसेज को एनालाइज करेंगे। 12th क्लास और आईटी जेई के सिलेबस का स्कोप थिक लेंसेज के एनालिसिस को यहीं तक लिमिट करता है। अब आप देखिए, ये एक इमेज है, इसमें एक आदमी स्पेक्टिकल्स लगाए हुए है। अभी इस लेंस को आप देख सकते हैं, काफी थिक है, इस थिकनेस को इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे यहां आपको इमेज में दो लेंसेज दिखाई गए हैं, इनके एजेस पे इनकी थिकनेस का आइडिया लगा सकते हैं। यूजुअली लेंसेस को प्रॉपर प्रॉपर्टी देने के लिए उनकी थिकनेस को बहुत कम करना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि ये उनकी थिकनेस क्या रखी जाए, ये सारी बातें डिपेंड करेंगी जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। आगे एनालिसिस में देखेंगे, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होगा तो हम लेंस को थिन रख सकते हैं, बट बहुत ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल उतने इजिली इकोनॉमिकली अवेलेबल हो, उनमें उतनी हाई ग्रेड की ट्रांसपेरेंसी हो, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो यूजुअली लेंसेज की थिकनेस को अवॉइड करना पॉसिबल नहीं होता। तो आज हम थिक लेंस की बात शुरू करेंगे, और थिक लेंस की बात स्टार्ट करने से पहले जो हम रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा बहुत सीखे हैं उसको रिवाइज कर लें। एब्सोल्यूट आरआई या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी इज इक्वल टू लेमडा नॉट अपॉन लेमडा एम। सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस और वैक्यूम। V is speed of light in the medium under consideration. Lambda naught is wavelength of light in free space or vacuum. Lambda m is the wavelength of light in the medium under consideration. Relative RI, relative refractive index, mu of 2 with respect to 1 is equal to mu 2 by mu 1 is equal to V1 by V2 is equal to lambda 1 by lambda 2. Now we can simplify this relation. Mu 1 V1 is equal to mu 2 V2. Similarly, mu 1 lambda 1 is equal to mu 2 lambda 2. In this form, it is simple to remember. इसमें confusion नहीं होगा। यहाँ पे mu 2 by mu 1, V1 by V2, and ये जो reciprocal relation है, इसमें हम कई बार confused हो सकते हैं। तो ये 1 1 2 2, 1 1 2 2, and अगर आप ध्यान दें, तो Snell's law भी इसी form में है था। mu 1 sin theta 1 is equal to mu 2 sin theta 2. Let us see the Snell's Descartes law. What is that? Mu 1 sin theta 1 is equal to mu 2 sin theta 2. Refraction at spherical surface, image formation. Image formation means image object distance ko kaise refraction from spherical surface mein relative jo refractive index hai aur radius of curvature hai उससे रिलेट किया जाएगा। म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। यहां पे म्यू टू उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें रे रिफ्रैक्शन के बाद ट्रेवल करेंगी, मीन्स वो मीडियम जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है। म्यू वन उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें इंसिडेंट रे है, एंड आर जो स्फेरिकल सरफेस है उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर है। प्रिंसिपल फोकाई, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकाई, ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस एंड इमेज इज एट इंफिनिटी। सिमिलरली सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी एंड इमेज इज एट द फोकस। अब देखिए, ये आइडिया इन फोकस को डिसाइड करने के लिए ज्यादा ऑब्वियस है। अब कैसे ध्यान रखेंगे, वॉट इज फर्स्ट फोकस जिसमें ऑब्जेक्ट पास हो, वॉट इज सेकेंड फोकस जिसमें ऑब्जेक्ट दूर हो या इमेज पास हो,
And in this way, we can remember this definition without any confusion. Transverse or lateral magnification. M is equal to HI upon HO is equal to V minus R upon U minus R is equal to mu 1 V upon mu 2 V. ये spherical surface refraction के लिए transverse magnification या lateral magnification का relation है. Longitudinal और axial magnification. इसमें object principal axis के along रखा जाएगा. So ML is equal to VA minus VB upon UA minus UB is equal to mu 2 by mu 1 M square. M यहाँ पे transverse magnification है. Now you can see this relation holds true for any size of object placed axially. Combination of optical devices. अब देखिए optical devices का combination ये relation geometrical optics की problems को solve करने के लिए सबसे important है, बहुत काम आएगा. And ये बार बार हम revise कर रहे हैं. And we can write this statement in two ways. First, image made by a reflection or refraction serves as object to the next reflection or refraction. ये general formula है. अब ये refraction या reflection जो भी होगा किसी न किसी device से होगा. तो हम इसको first device and second device की form में भी लिख सकते हैं. How? Image made by a device serves as object to the next device. मतलब next device कौन सी? First device से rays pass होने के बाद जिस device पर जाएंगे वो next device कहलाएगी. So these are the ideas. इन ideas को हम अभी तक revise कर चुके हैं. अब हम thick lenses के analysis पे आते हैं. लेकिन thick lenses के analysis पर जाने से पहले lens क्या होगा? Lens के कितने type होंगे? Thick lens को thick lens क्यों कहेंगे? Thin lens में क्या होगा? उन चीजों को हम एक बार discuss कर लें. Lens. A lens is a piece of transparent medium that makes a light beam to converge at a focus or diverge to appear emanated from a focus. Means या तो lens एक ऐसा मतलब material का medium है वो या तो beam को एक point पर focus करेगा या beam को इस तरह से diverge कर देगा कि ऐसा लगेगा कि वो एक focus से वो beam निकल के आ रही है. In simpler word, what we can say, usually a lens has two coaxial refracting surfaces. At least one of them is spherical. Lens में दो coaxial surface होंगी. उनमें से कम एक का spherical होना जरूरी है. दोनों spherical हो सकती हैं या एक plane एक spherical हो सकती है, but दोनों plane नहीं हो सकती. ये lens की usual definition है. अब यहाँ usually term इसलिए use किया है कि we'll see later on that by properly varying the refractive index from place to place, even a glass parallel slab can be used as a converging or diverging lens. We'll see later when we discuss miscellaneous problems on geometrical optics. Two common lenses. This one. अब देखिए इस सरफेस में दोनों ही सरफेस कॉन्वेक्स हैं, तो इसको हम बोलेंगे बाई कॉन्वेक्स लेंस और सिंपली कॉन्वेक्स लेंस. ऐसे ही हम लेंस ले सकते हैं इसके दोनों सरफेस कॉनकेव हो, इसको हम बोलेंगे बाई कॉनकेव और कॉनकेव लेंस. अब देखिए ये दोनों सरफेसेस हैं, इनके हर सरफेस के अपनी अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी. तो हम पहले सरफेस को S1 बोल दें और दूसरी सरफेस को S2, S1, S2. नाउ अगर हम ये एक्सटेंशन कर्व लिया है, ये S1 का एक्सटेंशन कर्व है, इसके किसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और ये C1 इस S1 का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, R1 S1 की रेडियस ऑफ कर्वेचर है. ऐसे हम S2 का एक्सटेंशन ले सकते हैं, तो S2 का ये C2 का सेंटर ऑफ कर्वेचर है और R2 इसकी रेडियस कर्वेचर है. C1 C2 को जो लाइन ज्वाइन करेगी दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. तो लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस भी डिफाइन कर सकते हैं, दोनों सरफेस की सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन. अब इसमें बात आई कि अगर एक प्लेन सरफेस हो तो एक सरफेस तो कर्व होगी ना, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से प्लेन सरफेस के नॉर्मली जो लाइन पास होगी दैट विल बी डिसाइडेड एज प्रिंसिपल एक्सिस. सेम यही आइडिया हम इस बाई कॉन्केव लेंस के लिए बात कर सकते हैं. तो इसमें देखिए ये सरफेस एस वन एस टू, एस वन का एक्सटेंशन लें, ये एस वन का एक्सटेंशन, C1 S1 का सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड R1
S1 की रेडियस है कर्वेचर, ऐसे ही S2 का एक्सटेंशन लेके हम C2 S2 का सेंटर ऑफ कर्वेचर और R2 S2 की रेडियस है कर्वेचर, C1 C2 को ज्वाइन करें तो इस लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस मिलेगी। नाउ दीज आर द नॉमेनक्लेचर फॉर द लेंसेज एंड दीज आर वेरी कॉमन टाइप ऑफ लेंसेज। अब देखिए इसमें दोनों सरफेस की रेडियस से कर्वेचर का इक्वल होना जरूरी नहीं है, अगर इक्वल होगी तो इनको हम इक्वी कॉन्वेक्स इसको बोलेंगे और इसको इक्वी कॉनकेव लेंस बोलेंगे। ए कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर इन द मिडिल एंड ए कॉनकेव लेंस इज थिनर इन द मिडिल। अब देखिए सिंपल है, कॉन्वेक्स लेंस बीच में मोटा होगा और किनारों पर पतला होगा, ऐसे ही कॉनकेव लेंस बीच में पतला होगा और किनारों पर मोटा होगा। मीन्स कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर इन द मिडिल एंड कॉनकेव लेंस इज थिनर इन द मिडिल। डिस्टेंस बिटवीन द टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस एट द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड द थिकनेस ऑफ द लेंस। अब लेंस की थिकनेस कहां से डिसाइड होगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस पर जो ये डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड थिकनेस एंड वी कैन शो हियर इन डायग्राम। यहां पे ये यहां से यहां तक थिकनेस होगी दैट इज टी एंड हियर यहां से यहां तक थिकनेस होगी ये टी एंड इन दीज फिगर्स द थिकनेस इज शोन बाय लेटर टी। तो थिकनेस भी डिफाइन कर लिया हम लोगों ने, थिक एंड थिन लेंस एंड हाउ वी कैन डिफाइन थिक एंड थिन लेंस। इन ए थिन लेंस द थिकनेस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस वेर इज इन ए थिक लेंस इट इज नॉट। अगर इस टी को R1 R2 के कंपेरिजन में नेग्लेक्ट कर सके हम तो लेंस थिन लेंस कहलाएगा, अगर टी को R1 R2 के कंपेरिजन में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते तो इट विल बी ए थिक लेंस। सो दैट इज वेरी क्लियर कट डिमार्केशन बिटवीन थिक एंड थिन लेंसेस। नाउ वी कैन वी शुड डिस्कस सम अदर टाइप ऑफ लेंसेस, इक्वी कॉन्वेक्स एंड इक्वी कॉन्केव लेंस। जैसा भी बात की, अगर दोनों रिफ्रैक्टिंग सर्फेस S1 S2 कि रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स इक्वल होंगी तो उनको इक्वी कॉन्वेक्स, अगर कॉन्वेक्स हुआ तो, और कनके हुआ तो इक्वी कॉनकेव लेंस। एंड लेट अस सी द डायग्राम। रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस आर इक्वल, सी हियर। अब देखिए S1 S2 दोनों की रेडियाई ऑफ कर्वेचर, इसकी भी आर है इसकी भी आर है, ऐसे ही हम इक्वी कॉनकेव लेंस की बात कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर और इस सरफेस रेडियस कर्वेचर आर दोनों ही आर हैं इक्वल हैं, सो इट विल बी कॉल्ड इक्वी कॉनकेव लेंस। देयर आर सम अदर स्पेशल टाइप ऑफ लेंसेस, स्पेशल लेंसेस व्हाट द शेप इज से दिस वन। एंड आप देखिए यहां पे एक सरफेस प्लेन है एक सरफेस कॉन्वेक्स है, दिस काइंड ऑफ सरफेस लेंस इज कॉल्ड प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। सिमिलरली वी कैन हैव, अब देखिए इस लेंस में एक सरफेस कॉन्वेक्स है और एक सरफेस कॉनकेव है एंड जस्ट सी द नेम कॉनकेवो कॉन्वेक्स और पॉजिटिव मेनिस्कस। नाउ अब एक ध्यान देना होगा इन दोनों नामों में, व्हाई इट इज कॉल्ड प्लेनो कॉन्वेक्स, व्हाई इट इज कॉल्ड कॉनकेवो कॉन्वेक्स। चलो प्लेनो समझ में आया, एंड व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स आप सोच सकते हैं एक सरफेस प्लेन है एक कॉन्वेक्स है बाद वाली तो प्लेनो कॉन्वेक्स, बट अगर ऐसा करेंगे तो यहां पर क्या होगा, पहली सरफेस कॉन्वेक्स दूसरी कॉनकेव। तो अगर हम ये लें कि सरफेस जिस सीक्वेंस में आ रही है उसके हिसाब से नाम रखे गए हैं तो जैसे लेंस को बदलेंगे उसका नाम लेंस को आपने जस्ट 180 से फ्लिप किया नाम बदल जाएगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो नॉमेनक्लेचर अगर रखें ध्यान से देखें तो आपके बात मालूम पड़ेगी। हमने अभी डिफाइन किया कॉन्वेक्स लेंस आर थिकर इन मिडिल, तो जो लेंस मिडिल में थिक है वो उसकी बेसिक करेक्टरिस्टिक है, तो वो उसका मेन वर्ड हुआ। तो ये लास्ट जो सेकेंड टर्म है वो इस हिसाब से है, इफ द लेंस इज थिकर इन द मिडिल इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स। एंड फर्स्ट टर्म क्या है, उसमें जो एक यूनिक सरफेस है जो उसका एक यूनिक नेचर डिसाइड करती है। अब जैसे इसमें ये कॉन्वेक्स हुआ तो ये प्लेन, अब ये कॉन्वेक्स तो बोल दिया बिकॉज मिडिल, तो कॉन्वेक्स के लिए इस सरफेस कॉन्वेक्स होना यूजुअल बात है बट कॉनकेव होना एक यूनिक बात है, तो ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स बोल दिया इसको। सिमिलरली यहां देखें ये कॉन्वेक्स है बीच में, तो इस सरफेस का कॉन्वेक्स होना इस लेंस के लिए यूनिक नहीं है, कॉन्वेक्स लेंस में तो एक सरफेस कॉन्वेक्स होगी बट इस सरफेस का प्लेन होना एक यूनिक नेचर है।
तो इसलिए इसको प्लिनो कॉन्वेक्स बोल दिया, इसको कॉनकेव कॉन्वेक्स बोल दिया। एंड इसका दूसरा नाम है मेनिस्कस, ये जिसके दोनों सरफेस कर्व होंगी उसको बोलेंगे मेनिस्कस। व्हाई इट इज कॉल्ड पॉजिटिव मेनिस्कस, अगर इन मिडिल में ये थिक है तो इट इज कॉल्ड पॉजिटिव मेनिस्कस। सिमिलरली वी कैन टेक दिस लेंस। अब देखिए इसमें भी दोनों सर्फेसेज जो हैं कर्व हैं, इनके सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही तरफ हैं, तो अब इसमें ये बीच में थिनर है तो इसके नाम में जो सेकेंड टर्म आएगी वो कॉनकेव आएगी। बट कॉनकेव के लिए ये सर्फेस तो यूजुअल है, बट दिस कॉन्वेक्स सर्फेस इज यूनिक। सो फर्स्ट टर्म होगी कॉन्वेक्सो एंड सेकेंड टर्म होगी कॉनकेव। सो वॉट इज दिस लेंस? कॉन्वेक्सो कॉनकेव और निगेटिव मेनिस्कस, ऐसे लेंस जिसमें दोनों ही सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही तरफ हों उनको बोलेंगे मेनिस्कस। अगर वो कॉन्वेक्स हैं, बीच में थिकर हैं तो पॉजिटिव मेनिस्कस, और बीच में थिनर हैं तो नेगेटिव मेनिस्कस। सिमिलरली वी कैन टेक दिस लेंस। अब जैसे ये लेंस था वैसे ये आप बोल सकते हैं बीच में थिन है तो इसका सेकेंड टर्म होगा कॉनकेव। एंड कॉनकेव के लिए इस कॉनकेव सर्फेस का होना कोई यूनिक चीज नहीं, बट इस प्लेन सर्फेस का होना यूनिक है। तो फर्स्ट टर्म ये प्लेन सरफेस डिसाइड करेगी, तो जैसे ये नाम था प्लेनो कॉन्वेक्स, ये हो जाएगा प्लेनो कॉनकेव। नाउ वी रिवाइज द रूल ऑफ नोमेनक्लेचर, बेसिस ऑफ द नोमेनक्लेचर। द फर्स्ट टर्म इज ड्यू टू द रिफ्रेक्टिंग सरफेस व्हिच इज यूनिक टू ए टाइप ऑफ लेंस, एंड द सेकेंड टर्म ड्यू टू द फैक्ट दैट वेदर द लेंस इज थिकर और थिनर इन द मिडिल। मतलब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर लेंस बीच में थिन है या थिक है उसके हिसाब से सेकेंड टर्म डिसाइड होगी। अगर थिन है तो सेकेंड टर्म कॉनकेव और थिक है तो सेकेंड टर्म कॉन्वेक्स। और फर्स्ट टर्म डिसाइड होगी उस लेंस में जो यूनिक नेचर की सरफेस है। एक बार वापस देख लें इन लेंस को 180 से फ्लिप करने के बाद तो भी इनका नाम वही होना चाहिए। मतलब इस लेंस को हम अगर 180 से फ्लिप कर दें, ये कर्व सरफेस इधर चली जाए प्लेन इधर जाए, तो भी ये प्लेनो कॉन्वेक्स ही होना चाहिए। इन नो वे द नेमिंग इज बेस्ड ऑन द सीक्वेंस ऑफ टाइप ऑफ सर्फेसिस, इस बात का ध्यान रखें। मतलब किसी तरह से ये जो सर्फेस का सीक्वेंस है, पहली सर्फेस ये दूसरी, अभी जो हमारा ये नाम देख के आपको कंफ्यूजन हो सकता है प्लेनो कॉन्वेक्स क्या हुआ, अब इसमें बदल गया ये। अगर इस तरह से देखें तो कॉन्वेक्स हो कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स कॉनकेव ये होगा। तो जो सर्फेसिस है उनके सीक्वेंस के साथ नाम नहीं देना। नाम देने का एक बड़ा क्लियर मेथड है वो ये कि अगर बीच में थिन है तो सेकेंड टर्म कॉनकेव, अगर बीच में थिक है तो सेकेंड टर्म कॉन्वेक्स। तो ये सेकेंड टर्म है ये बीच के थिक और थिन होने से डिसाइड होगा, और फर्स्ट टर्म जो उसमें यूनिक सरफेस है, अगर सेकेंड टर्म सपोज कॉन्वेक्स है तो उसमें अगर कोई कॉन्वेक्स सरफेस है तो वो यूनिक नहीं है, कॉन्वेक्स के अलावा प्लेन या कॉनकेव होगी तो वो यूनिक होगा, तो वो नाम लेंगे। जैसे इसमें प्लेनो कॉन्वेक्स, इसमें कॉनकेव कॉन्वेक्स। नाउ इन लेंसेस को हम एक बार फ्लिप करके देखें तो भी इनका नोमेनक्लेचर वही होना चाहिए इस बेसिस के हिसाब से। सी दिस, अब देखिए बीच में थिक है तो ये सेकेंड टर्म कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स के लिए ये सरफेस यूजुअल है बट ये सरफेस यूनिक है तो प्लेनो कॉन्वेक्स। सिमिलरली अगर इसको हमने कर दिया तो ये बीच में थिकर है तो ये कॉन्वेक्स सेकेंड टर्म होगी, बट कॉन्वेक्स के लिए ये सरफेस का होना जो है वो यूनिक नहीं है, ये तो यूजुअल है कॉन्वेक्स के लिए, बट दैट इज ए यूनिक फीचर। सो ये टर्म डाल देंगे फर्स्ट में कॉनकेव कॉन्वेक्स। सिमिलरली थर्ड फिगर में आए, इसको हमने रिवर्स कर दिया तो ये बीच में थिनर है तो सेकेंड टर्म होगी कॉनकेव, बट कॉनकेव के लिए इस सरफेस का होना कोई यूनिक फीचर नहीं है, यूजुअल है, तो कॉनकेव में एक सरफेस कॉनकेव होगी बट ये कॉन्वेक्स सरफेस का होना इसमें यूनिक फीचर है, तो ये कॉन्वेक्स फर्स्ट टर्म हो जाएगा तो कॉन्वेक्स वो कॉनकेव। सिमिलरली हियर अगर इसको करें तो ये बीच में थिनर है तो ये कॉनकेव, बट कॉनकेव में इस कॉनकेव सरफेस का होना एक यूजुअल बात है बट इस प्लेन सरफेस का होना यूनिक है तो ये प्लेनो कॉनकेव। अब ये मेनिस्कस की बात करें तो एक बार रिवाइज कर लें, अगर किसी लेंस की दोनों सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही तरफ हों उनको मेनिस्कस बोलेंगे, अगर वो कॉन्वेक्स हैं तो पॉजिटिव मेनिस्कस, कॉनकेव है तो नेगेटिव मेनिस्कस। तो ये बात थी लेंसेज के नोमेनक्लेचर की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इन नोमेनक्लेचर में कन्फ्यूजन होता है तो इस बात को आप अच्छे से समझ लें। नाउ लेट अस कम ऑन द एनालिसिस पार्ट। थिक लेंस, थिकनेस ऑफ द लेंस कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, जो बात हुई
थिक लेंस हम उस लेंस को बोलेंगे जिसकी थिकनेस को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकें। टू एनालाइज सिचुएशंस इन्वॉल्विंग थिक लेंसेस, सक्सेसिव रिफ्रैक्शन एट बोथ द सरफेसेस हैज टू बी डील्ड वन बाय वन। मतलब थिक लेंस को हम एनालाइज करेंगे, उसकी दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन होंगे उनको वन बाय वन हम एनालाइज करेंगे। और थिक लेंस को डील करने का कोई और मेथड जो एडवांस कोर्स में पढ़ेंगे उनको यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक इनिशियल मेथड है, ये आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा। एंड आईटीजेई और ट्वेल्थ क्लास के स्कोप में यही मेथड रखा गया है, तो हम इसी मेथड को डिस्कस करेंगे। इमेज ऑब्टेन्ड बाय रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस सर्व्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड सरफेस। ये जो हमारा एक के बाद एक जब इवेंट्स होंगी ऑप्टिक्स में, तो उनको डील करने का ये प्रिंसिपल है, और ये प्रिंसिपल अब आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब देखिए इसको समझने की कोशिश करें। यहां हमने एक लेंस लिया, ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी थिकनेस डी है, रिफ्रेंडेक्स म्यू, एयर और एयर। एंड सपोज एयर हियर वी टेक एन ऑब्जेक्ट हियर पॉइंट सोर्स, एंड पॉइंट सोर्स की इस सर्फेस वन से डिस्टेंस यू वन लिया, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ है लाइट सोर्स तो उसका से निकलने वाला लाइट पहले इस सरफेस पे जाएंगे, रिफ्रेक्शन यहां होगा, तो यहां से यू वन अज्यूम करेंगे, वन सबस्क्रिप्ट फॉर द सरफेस वन एंड टू सबस्क्रिप्ट फॉर द सरफेस टू। अब देखिए ये लाइट गई, ये लाइट यहां से रिफ्रैक्ट होने के बाद इधर गई, अब यहां पे ये मीडियम पूरा एक्सटेंड करता, सीधे लाइट यहां जाती, यहां इमेज बनती, तो लेकिन इस सरफेस से कुछ और होगा, तो इसका मतलब अगर ये सरफेस ना होती तो यहां पे एक रियल इमेज बनती। अब इस सरफेस ने रियल इमेज को बनने नहीं दिया, तो ये जो इमेज बनती इस सेकेंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ये जो डिस्टेंस हम लिए v1, मतलब इमेज डिस्टेंस फॉर द फर्स्ट रिफ्रैक्शन, तो अब यहां आप इजिली आप रिलेशन लगा सकते हैं, म्यू बाई वी वन माइनस वन बाई यू वन इज इक्वल टू म्यू माइनस वन अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस। सो इससे आपको v1 मिल जाएगा, अगर v1 मालूम है तो जो भी अननोन इस इक्वेशन में, एक इक्वेशन है तो आपको एक ही अननोन होगा जो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ v1 मिलने के बाद अब हमें इस रिफ्रेक्शन को काउंट करना है, तो ये यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी u2, मीन्स इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बिकॉज अब ये इमेज जो बनती वो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो u2 आप यहां से ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस कंसिडर करके निकाल सकते हैं। ध्यान रहे साइन कन्वेंशन हम केवल मिरर इक्वेशन या स्फेरिकल सरफेस से जो रिफ्रैक्शन की इक्वेशन या उससे जो फॉर्मूले निकले हैं मैग्निफिकेशन, केवल वही यूज करेंगे, बाकी और किसी चीज के लिए साइन कन्वेंशन यूज नहीं करेंगे। अब यहां से आप सीधे देख सकते हैं u2 v1 का जो मॉड होगा उसमें से t माइनस करके u2 मिल जाएगा, सो u2 मॉड इज इक्वल टू v1 मॉड माइनस t एंड अगेन मॉड y। अब देखिए हो सकता है ये इमेज यही बन रही होती, ये इतना ज्यादा म्यू होता कि रे आके यहां जाती, तो ये होता तो आपका ये यहां से यहां तक u2 होता, तो उस केस में हम क्या करते, t में से v1 का मॉड माइनस करते, तो ये जो है इसका ही मॉड लेना है, तो इससे आपको u2 मिल जाएगा इन ऑल पॉसिबल केसेस। सिमिलरली वी कैन टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल हियर रिफ्रैक्शन हियर, सो यहां से रिफ्रैक्शन होने के बाद ये यहां पे क्यू फाइनल इमेज बनी, तो अब क्यू फाइनल इमेज अगेन आप इस रिफ्रैक्शन के लिए इक्वेशन यूज कर सकते हैं, एंड वी कैन राइट दिस इक्वेशन ओरली। कैसे, इसका रिफ्रैक्ट रे सेकेंड मीडियम में है तो क्या होगा, 1 अपॉन v2 माइनस म्यू अपॉन u2 इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू अपॉन रेडियस कर्वेचर दिस विद साइन, तो यहां पे इसका माइनस में तो माइनस रख देंगे। सो इट विल डिपेंड फ्रॉम केस टू केस आपको कब कहां कौन सी प्लस माइनस लेनी है, बट जब आप u2 कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस टाइम स्ट्रिक्टली केवल ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस ध्यान रखें, वहां कोई साइन कन्वेंशन यूज करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली वी कैन टेक हियर इन दिस लेंस हियर बोथ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन दिस साइड, नाउ वी कैन अज्यूम हियर इन पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो ये पहली इससे निकल रेज का रिफ्रेक्शन पहले यहां होगा, तो ये पहला रिफ्रेक्शन हुआ तो यहां से डिस्टेंस को बोल दिया u1। नाउ लेट अस सी द रे दिस, अब ये रे यहां से निकलने के बाद ये इधर चली गई,
तो इसको बैक एक्सटेंड करेंगे तो यहां इसकी एक वर्चुअल इमेज मिलेगी। लेट अस सी इन दिस वे, पी इज अ वर्चुअल इमेज। तो पी जो होगा ये वी वन होगा, यहां से ये डिस्टेंस वी वन यू कैन शो। अब इसको देखें तो अब सेकेंड सर्फेस ऑफ रिफ्रेक्शन होगा यहां से, तो ये जो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक हुई वो होगा यू टू। तो यू टू वहां सीधे देख सकते हैं वी वन और प्लस टी वी वन मॉड। अब देखिए साइन कन्वेंशन के हिसाब से यहां वी वन की वैल्यू निगेटिव आएगी, वो माइनस वैल्यू प्लस टी नहीं करना, उसका मॉड लेके टी करना है। सो यू टू, सो यू टू मॉड इज इक्वल टू वी वन मॉड प्लस टी। तो कहां ये प्लस होगा कहां माइनस होगा ये जब आप रे डायग्राम ट्रेस करेंगे तो आपको इजिली मालूम पड़ जाएगा। तो थिक लेंसेस को एनालाइज करने के लिए आप फर्स्ट सरफेस रिफ्रेक्शन के बाद जितना रे डायग्राम बना सकते हैं उतना रे डायग्राम बना दें, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा यू टू डिसाइड करने के लिए क्या करना होगा, वी वन माइनस टी होगा या वी वन प्लस टी होगा। अगेन उसका मॉड लेना होगा या नहीं लेना होगा वो उसके बाद क्लियरली डिसाइड हो जाएगा। अब अगर इस सरफेस पर रिफ्रेक्शन को हम आगे कंसिडर करें तो वी कैन कंटिन्यू रे डायग्राम। सपोज ये रे मुड़के यहां चली गई तो यहां फाइनल इमेज बनी, तो ये डिस्टेंस कहलाएगी वी टू दिस। सो यहां से सेकेंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू टू फाइंड करना सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। एंड आई थिंक यू टू फाइंड करने के लिए कब किसको प्लस माइनस करना है वो आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ विल ट्राई टू प्रैक्टिस दीज लर्निंग फ्रॉम सम इन सम क्वेश्चंस। एग्जाम्पल वन, द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सर्फेसिस ऑफ ए 10 सेंटीमीटर थिक बाइकॉन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। ए पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड 15 इन फ्रंट ऑफ द सर्फेस ऑफ द स्मॉलर रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाउ फार बियॉन्ड द अदर सर्फेस लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द सोर्स विल फोकस्ड। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मेटेरियल इज 1.5। अब देखिए क्या है, एक कैसा लेंस है बाइकॉन्वेक्स, उसका थिकनेस कितना है 10 सेंटीमीटर, मीन्स दोनों रिफ्रेक्टिंग सरफेस के बीच के डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस पर 10 सेंटीमीटर होगी और उनकी जो रेडियाई ऑफ कर्वेचर है 10 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। ए पॉइंट सोर्स स्पेस 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द सरफेस ऑफ स्मॉल रेडियस कर्वेचर, मतलब ये जो 10 सेंटीमीटर रेडियस कर्वेचर वाली सरफेस है उसके सामने पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो उस पॉइंट ऑब्जेक्ट से निकलने वाले रेज हाउ फार बियॉन्ड द अदर सरफेस लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द सोर्स विल बी फोकस्ड। नाउ विल इफ यू ट्राई टू ट्रेस द रे डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम मोर इजली। सो व्हाट वी डू से हियर, ये आपने हमने लेंस कंसिडर कर लिया। अब ये आप देखिए ये ज्यादा मुड़ी हुई सरफेस है तो सर्टेनली इसकी रेडियस कर्वेचर कम होगी, और ये कम मुड़ी हुई इसका कर्वेचर कम दिखाई दे रहा है तो इसकी रेडियस कर्वेचर 25 होगी। हमने उन चीज को शो करने के लिए लेंस को प्रॉपरली इस तरह शो कर दिया। नाउ हियर इज द थिकनेस 10 सेंटीमीटर दैट इज इन बिटवीन द सरफेस के बीच का डिस्टेंस अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये प्रिंसिपल एक्सिस O1 इस पहले सरफेस का पोल बोल दिया एंड O2 सेकंड सरफेस का पोल बोल दिया। यह R1 इस 10 सेंटीमीटर एंड R2 25 सेंटीमीटर विदाउट यूजिंग साइन कन्वेंशन, यहां केवल वैल्यूज लिखी हैं। जब हम मिरर इक्वेशन में इनको यूज करेंगे देन वी यूज साइन कन्वेंशन। नाउ वेयर द अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम पॉइंट सोर्स इज प्लेस 15 इन फ्रंट ऑफ द सरफेस ऑफ द स्मॉल रेडियस कर्वेचर, यहां 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। स्मॉलर रेडियस कर्वेचर की सरफेस ये है, इससे इधर 15 सेंटीमीटर दूर पॉइंट ऑब्जेक्ट एस होगा दिस, ये हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया। अब इससे रेज जो निकलेंगी पहला रिफ्रेक्शन इस सरफेस पर होगा, रिफ्रेक्शन एट द फर्स्ट सरफेस, एंड इसके लिए क्या होगा साइन कन्वेंशन। तो रेज जा रही है टुवर्ड्स राइट, तो साइन कन्वेंशन टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव, तो ये जो यू वन होगा ये माइनस 15 होगा एंड आर वन अब देखिए इधर मेजर होगा तो क्या होगा प्लस 10 होगा। So U1 is minus 15 centimeter and R1 is equal to 10 centimeter. एक बार ध्यान दें साइन कन्वेंशन के हिसाब से U1 माइनस होगा क्योंकि ये इंसिडेंट रे इधर जा रही है तो U1 को हम इधर पोल से मेजर कर रहे हैं O1 से, एंड R इंसिडेंट रे की डायरेक्शन मेजर होगा क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा। तो U1 का साइन डिसाइड हो गया और R का साइन डिसाइड हो गया। अगेन रिफ्रेक्टेड रे इस मीडियम म्यू में है और इंसिडेंट रे इस मीडियम वन में है, तो इस हिसाब से जब मिरर इसके रिफ्रेक्शन इक्वेशन में म्यू की वैल्यू रखेंगे तो वहां हेल्प मिलेगी।
what general equation kya mu 2 by v 1 minus mu 1 by u 1 is equal to mu 2 minus mu 1 upon r 1. अब देखिए ये जो नीचे सबस्क्रिप्ट यूज किए हैं वो रिफ्लेक्शन के नंबर को दिखाते हैं एंड मतलब पहला रिफ्लेक्शन और ऊपर हमारे सबस्क्रिप्ट को यूजर रखा है. हमारी इक्वेशन क्या थी म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर. तो ये सबस्क्रिप्ट हमने यूजुअल जो होते हैं वही रखे और यहां हमने 111 मीन्स दैट इज फॉर द फर्स्ट सरफेस रिफ्लेक्शन उसके लिए. अब म्यू टू की वैल्यू क्या होगी म्यू जो ये दिया हुआ है 1.5 क्योंकि इसमें रिफ्लेक्ट रहे हैं और म्यू वन की वैल्यू क्या होगी 1. नाउ लेट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. सो 1.5 अपॉन वी वन माइनस 1 अपॉन माइनस 15 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 अपॉन 10. नाउ देर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल इन पुटिंग द वैल्यूज. म्यू टू क्या होगा वो मीडियम जिसमें रे रिफ्रेक्शन के बाद जाएंगे तो 1.5. म्यू वन क्या होगा 1 तो आप देख लीजिए यहाँ पे. यू वन की वैल्यू माइनस 15 एंड आर की वैल्यू प्लस 10. And by solving this equation, you can get V1 is equal to minus 90 centimeter. अब इसको solve करना मैंने आपके part पे छोड़ दिया है. आप solve करके उसको देख सकते हैं. तो V1 की value minus 19 centimeter आई. Minus 19, 90 centimeter. It means minus ये इधर कहीं होगा. अब ये 15 है तो to the scale draw करना यहाँ पे possible नहीं होगा. तो हम यहाँ कहीं 90 जो इसकी image बनेगी वो show कर दें. ये first रह गई. अब ये रे यहां जाने के बाद थोड़ा सा अगर ये नॉर्मल लेते तो सीधे जाके थोड़ा यूं टर्न करती तो ये पीछे आ रही है. यहां पे इमेज बनेगी दिस. इसका बैक एक्सटेंशन ये I1 में हमने एक अपना नाम दे दिया इसका पहली इमेज पहले रिफ्लेक्शन जो इमेज बनी. अब ये जो इमेज बनी ये वर्चुअल इमेज है लेकिन इस सेकेंड सरफेस के लिए रियल सोर्स का काम करेगी क्योंकि सेकेंड सरफेस को क्या लगेगा कि इसी पॉइंट से एक्चुअली रेज आ रही है. नाउ अब सेकेंड सरफेस जाने के लिए हमें सेकेंड सरफेस का यू टू डिसाइड करना पड़े. उससे पहले हम वी वन की वैल्यू जो यहां से है वो सब्स्टिट्यूट कर लें 90 सेंटीमीटर. अब देखिए यहां ये ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस दिखाएं इस डायग्राम में साइन कन्वेंशन रखने की जरूरत नहीं कि क्यों इन डिस्टेंस को हमें कहीं भी किसी तरीके से यूज करना पड़ सकता है. अब यहां से आप सीधे देख सकते हैं इस सरफेस से यहां जो सेकेंड रिफ्लेक्शन होगा उसके लिए ये जो पॉइंट है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा. तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है यू टू. तो यू टू आपको साफ दिख रहा है ये 10 सेंटीमीटर प्लस 90. सो यू टू इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर मॉडुलस डिस्टेंस ऑफ द इमेज आई वन फ्रॉम द पोल ओ टू ऑफ द सेकेंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस. सो आप ओ टू आई वन इज इक्वल टू ओ टू ओ वन प्लस ओ वन आई वन. O2O1 is 10 and O1I1 is 90. So 10 plus 90 is equal to 100 centimeter. So O2 से I1 के distance हुई 100 centimeter. So U2 की ये modulus है. अब जब refraction इस type equation जब U2 की value रखेंगे यहाँ के लिए अब देखिए sign convention क्या होगा ray इधर जा रही है लेकिन यहाँ से distance इधर measure करेंगे तो U2 की value refraction equation रखने के लिए minus 100 होगी. Let us consider refraction at the second surface. The image I1 is the object for the refraction at the second surface. ये in tandem refraction होंगे एक के बाद एक तो उसका तरीका ही है कि image obtained by the first event is object for the next event. आप event बोल सकते हैं आप refraction बोल सकते हैं reflection बोल सकते हैं device बोल सकते हैं but पहली इमेज जो मिलेगी वो दूसरी रिफ्रेक्शन या डिवाइस कुछ भी हो रहा होगा उसके लिए ऑब्जेक्ट काम करेगी. बहुत सिंपल आइडिया है रिफ्रेक्शन एट द सेकेंड सरफेस. नाउ अगेन ये यहां तक का डायग्राम हम पहले देख चुके थे उसको एज इट इज रिप्रोड्यूस कर लिया. अब देखिए ये 90 सेंटीमीटर ये 10 सेंटीमीटर ये 15 और ये I1 O2 I1 यहां से आपको दिख जाएगा 100 सेंटीमीटर. Now, इस सरफेस के लिए जब आप साइन कन्वेंशन डिसाइड करेंगे तो वो क्या है टुवर्ड्स राइट इज पॉजिटिव. तो यहां से जो डिस्टेंस हमने 100 मेजर किया U2 इट विल बी नेगेटिव. सो U2 इज माइनस 100 साइन कन्वेंशन टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव. सो U2 इज माइनस 100 सेंटीमीटर. देन R2 इज माइनस 25. प्लीज टेक केयर क्योंकि R
O2 का इस सरफेस का सेंट्रल कर्वेचर इधर कहीं होगा, तो R2 मेजर करने के लिए हमें इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट जाना पड़ रहा है, तो R2 होगा -25 सेंटीमीटर। एंड इक्वेशन क्या होगी, म्यू टू बाई वी टू माइनस म्यू वन बाई वी वन, यू वन इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन R2। अब यहाँ पे फिर वही जो ऊपर न्यूमरेटर में सब्सक्रिप्ट जो एक्चुअल इक्वेशन के थे हमने वही रखे, और यहाँ पे नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, कौन सा रिफ्लेक्शन, सेकेंड रिफ्लेक्शन काउंट करना है, इसलिए 2 यहां लगा दिया। एंड नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, 1 बाई वी टू माइनस 1.5 अपॉन माइनस 100 इज इक्वल टू 1 माइनस 1.5 अपॉन माइनस 25। लेट अस अंडरस्टैंड, V2 फाइंड करना है। अब देखिए इसके बाद इंसिडेंट रे इस मीडियम में है म्यू में, और रिफ्लेक्टेड रे कहां जाएंगी, एयर में 1 में, तो ये रिफ्लेक्टेड मीडियम इंसिडेंट मीडियम, तो यहां 1 यहां 1.5, 1.5 अगेन, ये 1 और ये 1.5, ये देखिए। और V2 फाइंड करना है, तो V2 हमने यहां रख दिया, U और 2 की वैल्यू -100 ये सब्स्टिट्यूट कर दी, R2 की वैल्यू -25 ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। एंड नाउ यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन। अब इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व मैं यहां नहीं कर रहा हूं फॉर सेविंग टाइम, एंड यू कैन वेरीफाई द सॉल्यूशन, V2 इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। इट मींस ये रे प्लस आया V2, इट मींस ये रे इधर मुड़ेगी और यहां कहीं जाके इस प्रिंसिपल से कटेगी। अब देखिए क्यों यहां इमेज क्यों बनेगी, अगर यहां से कोई रे जा रही हो तो स्ट्रेट चली जाती, और यहां पे क्योंकि यहां पे नॉर्मल इंसिडेंस होता और यहां भी नॉर्मल इंसिडेंस होता, यहां से रे आई नॉर्मल इंसिडेंस नो डेविएशन, तो अब ये रे यहां स्ट्रेट चली जाएगी, यहां अगेन नॉर्मल इंसिडेंस नो डेविएशन, तो सीधी ये रे जाती और ये रे जहां कटती वहां पे फाइनल इमेज बनेगी I2। एंड ये डिस्टेंस यहां O2 से ये 200 सेंटीमीटर, द इमेज I2 इज द फाइनल इमेज। नोट इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है, टू डिसाइड U2 यूज ज्योमेट्रिकल डिस्टेंसेज मॉड V एंड मॉड T विदाउट साइन कन्वेंशन। अब देखिए मॉड V मॉड T, ठीक है, तो इसको आप मतलब U2 फाइंड करना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है थिक लेंस एनालिसिस में, मेन गलती या मिस्टेक आपसे U2 फाइंड करने में हो सकती है, तो वहां आप ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस से ध्यान रखें एंड इस बात को ध्यान रखें। नाउ लेट अस कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2। ए 4 सेंटीमीटर थिक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस व्हेन प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल विद कर्व्ड सरफेस इन कॉन्टेक्ट विद द टेबल, द एपरेंट थिकनेस इज मेजर्ड टू बी 3 सेंटीमीटर, द लेंस इज नाउ इन्वर्टेड एंड प्लेस्ड ऑन द टेबल विद इट्स प्लेन सरफेस इन कॉन्टेक्ट विद द टेबल टॉप, द एपरेंट थिकनेस इज मेजर्ड टू बी 25/8 सेंटीमीटर, फाइंड द फर्स्ट एंड सेकेंड फोकल लेंथ। नाउ फर्स्ट फोकल लेंथ सेकेंड फोकल लेंथ, डोंट गेट कंफ्यूज। अब इसमें ध्यान रखें, फर्स्ट मीन्स जिसमें ऑब्जेक्ट पास होगा, सेकेंड मीन्स जिसमें ऑब्जेक्ट दूर होगा, या ऐसे कर लें फर्स्ट मीन्स जिसमें ऑब्जेक्ट पास होगा, सेकेंड मीन्स जिसमें इमेज पास होगी, पास मतलब फोकस पे। फर्स्ट फोकल लेंथ इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस, सेकेंड फोकल लेंथ मीन्स इमेज इज एट द फोकस एंड ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी। तो ये हम जब फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो वापस इस अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो इसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में अगर ध्यान दें तो कहीं भी रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं दिया हुआ है और न ही मेटेरियल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। यू कैन सी द एंटायर स्टेटमेंट, देयर इज नो रेफरेंस अबाउट रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द सर्फेसिस। अब प्लेनो कॉन्वेक्स है तो एक सर्फेस के तो मालूम है रेडियाई कर्वेचर क्या, रेडियस कर्वेचर क्या, इनफाइनाइट जो प्लेन है, बट सेकेंड सर्फेस के रेडियस कर्वेचर नहीं मालूम एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स नहीं मालूम। तो आप देखिए उसके लिए हमारे पास दो कंडीशन है, 3 सेंटीमीटर अपरेंट एंड 25/8 सेंटीमीटर अपरेंट, तो ये दोनों इंफॉर्मेशन, ये दोनों बातें पता करने में काम आ सकती हैं। उसके बाद फर्स्ट एंड सेकेंड फोकल लेंथ फाइंड करना बहुत ईजी होगा। नाउ लेट अस ट्राई टू एनालाइज द गिवन इंफॉर्मेशन। वॉट द कर्व्ड सरफेस इन कॉन्टेक्ट विद द टेबल टॉप, सो दिस इज सिचुएशन, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तो कर्व सरफेस टेबल टॉप के कॉन्टेक्ट में है, तो ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस शो कर दिया। नाउ व्हाट इट विल बी, यहां पे एक मार्क बनाएं
और वो मार्क थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। तो ये जो थिकनेस यहां से यहां तक की है वो है 4। कैन सी दिस वे। अब ये पी मार्क बनाया, पी से जो रे गई वो यहां से गई और ये बाहर यू टर्न कर जाएंगे तो उसका बैक एक्सटेंशन यहां कहीं होगा, तो पी की इमेज थोड़ा कहीं ऊपर क्यू पर दिखाई देगी, इन दिस वे, दिस वे क्यू पर इमेज दिखी और ये वर्चुअल इमेज है। तो अब क्यू मतलब ये पी पॉइंट क्यू पर दिखाई दे, मतलब हमें इसकी थिकनेस कम दिखाई दे रही है। तो ये ओ से पी 4 सेंटीमीटर है और ओ से क्यू 3 सेंटीमीटर, दैट इज गिवन हियर, लेट अस शो इन द डायग्राम, थिकनेस 4 एंड दिस इज 3। अब इसको एनालाइज कर सकते हैं। इसमें जैसे हमने पहले कहा था कि ये पी जो सरफेस जो इंटरफेस में मर्ज है, एक्चुअली अगेन यहां पे जो रिफ्रेक्टिंग सरफेस जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है उसकी जगह हम इंटरफेस वर्ड ध्यान में लाए, इंटरफेस में ये इस पॉइंट ये इंटरफेस है, यहां से ये इंटरफेस एक इनफाइनिटली थिन रीजन है जिसमें इस मेटेरियल की डेंसिटी ग्रेजुअली कम होती होती एयर में मर्ज हो गया। वी कैन नॉट से वेयर दिस मीडियम एंड्स, और ये मार्क उस इंटरफेस में मर्ज होगा। तो अगर मर्ज होगा तो सीधे इस मीडियम में एंटर, इससे जो राइट रे निकलेंगे इस मीडियम में एंटर कर जाएंगे, उस इससे लाइट रेज ने उस इंटरफेस को क्रॉस तो किया है ना, उसमें मर्ज है तो उसको क्रॉस नहीं किया, इसलिए यहां पे रिफ्रेक्शन नहीं होगा। रिफ्रेक्शन क्यों यहां होगा, ये आइडिया हम लास्ट क्लास में भी एक एग्जांपल में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है, इस पे कई बार गलतियां हो जाती हैं। सो व्हाट वी डू हियर, ए मार्क पी विल अपीयर एट क्यू, नो रिफ्रेक्शन अकर्स एट द कर्व्ड सरफेस, द ओनली रिफ्रेक्शन अकर्स एट द प्लेन सरफेस। तो इस कर्व सरफेस पे रिफ्रेक्शन नहीं होगा, इस बात को आप समझ गए, क्यों, अगर इंटरफेस वर्ड ध्यान में है तो आप समझ जाएंगे। नाउ क्यों नहीं यहां रिफ्रेक्शन है, तो हाउ वी कैन एनालाइज, प्लेन सरफेस रेडियस कर्वेचर इनफाइनाइट, साइन कन्वेंशन अपवर्ड पॉजिटिव, सो हाउ वी कैन डू, साइन कन्वेंशन अपवर्ड पॉजिटिव। तो ये ओ से पी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू, तो यू होगा -4 एंड ओ से क्यू इमेज डिस्टेंस है तो ये होगा वी -3 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इनफाइनाइट। सो अब ये वैल्यूज अब देखें रिफ्रेक्शन इक्वेशन में, यू मालूम है, वी मालूम है, आर मालूम है, देन ओनली अननोन इज म्यू। तो इस सिचुएशन को सॉल्व करके इस मटेरियल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मिलेगा। सो लेट अस राइट द इक्वेशन, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। अब यहाँ पे हमने ये केवल एक ही रिफ्रेक्शन है, दो रिफ्रेक्शन नहीं थे, इसमें सब्सक्रिप्ट नहीं दिया। अब ये टू मीन्स द मीडियम इन विच रिफ्रेक्टेड रे आर, वन मीन्स द मीडियम इन विच इंसिडेंट रे आर, एंड रिफ्रेक्शन कहाँ कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, तो वन मीडियम हमारे पास लिए ये है, टू मीडियम ये है, तो यहाँ क्या आएगा वन, यहाँ क्या आएगा म्यू, जो इस मटेरियल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, 1 upon -3 माइनस म्यू अपॉन -4 इज इक्वल टू 1 minus mu upon infinity। लेट अस टेक अगेन कंसिडरेशन, म्यू टू कौन सा मीडियम होता है जिसमें रे रिफ्रेक्शन के बाद जाएंगी, तो ये तो वन हो गया म्यू टू की वैल्यू, और म्यू वन वो मीडियम जिसमें रे इंसिडेंट रे हैं, तो ये म्यू हो गया, तो यहाँ म्यू, वी की वैल्यू -3, यू की वैल्यू -4, आर की वैल्यू इन्फिनिटी, एंड फ्रॉम हियर वेरी सिंपल यू कैन फाइंड म्यू इज इक्वल टू 4/3। लेट अस मार्क दिस इक्वेशन 1। तो ये जो पहली सिचुएशन दी थी हमारे पास उससे हमें म्यू मिल गया। अब म्यू को यूज करके सेकेंड सिचुएशन यूज करें जिसमें इस लेंस को इन्वर्ट कर दिया, मतलब अभी जो ये सरफेस है ना ये टेबल टॉप को टच कर रही है। अब उस केस में क्या होगा, रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, कर्व सरफेस पे होगा, म्यू मालूम है तो केवल एक ही अनोन होगा इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो हम फाइंड कर पाएंगे। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन विच इज गिवन, द प्लेन सरफेस इन कॉन्टेक्ट विद द टेबल से दिस वे। तो अब मालूम यहां रिफ्रेक्शन नहीं होगा, तो यहां से जो रे निकली वो यहां रिफ्लेक्ट हुई और इधर नॉर्मल से अवे मुड़ जाएंगी लाइक दैट। इन रेस को पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहां पी की वर्चुअल इमेज क्यों दिखाई देगी, और पी और क्यू आप देखिए रेड मार्क से शो कर दिए। नाउ यू नो ये पोल है, पोल से ओपी डिस्टेंस 4 है, पोल से ओ की डिस्टेंस 25/8 गिवन है। लेट अस शो देम, ये 4 एंड दिस 25/8 एंड ये रिफ्रेक्शन काउंट कर रहे हैं। तो अब इसमें देखिए साइन कन्वेंशन अपवर्ड पॉजिटिव,
a mark P will appear at Q, no refraction occurs at the plane surface. The only refraction occurs at the curved surface. Sine conversion upward positive. तो इसके हिसाब से U क्या होगा -4, V क्या होगा -25/8, एंड रेडियस कर्वेचर आप देख सकते हैं -R, एंड अगर -R नहीं रखेंगे तो रेडियस कर्वेचर ऑटोमेटिकली माइनस में आनी चाहिए. U is equal to -4 cm, V is equal to -25/8 cm, एंड μ2/V माइनस μ1/U इज इक्वल टू μ2 - μ1/R. ये इक्वेशन है. अब R को हमने साइन कन्वेंशन नहीं रखा तो R ऑटोमेटिकली हमको दिख रहा है माइनस में आना चाहिए. μ2 कौन सा होगा, वो मीडियम जिसमें रिफ्लेक्टेड रे हैं, तो μ2 की वैल्यू 1 होगी. μ1 कौन सा मीडियम जिसमें इंसिडेंट रे हैं, μ1 जो अभी फाइंड किया हमने 4/3 वो. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, 1 अपॉन V -25/8 -μ/-4, ये 1 - μ/4. अभी 4/3 नहीं रख रहे हैं, उसको म्यू की वैल्यू बाद में रख देंगे. नाउ बाई सॉल्विंग हियर, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ म्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, व्हाट 4/3 वी गेट, 1 अपॉन -25 -4/3 अपॉन -4, 1 - 4/3 अपॉन आर. अब इसको सॉल्व करके यू कैन फाइंड आर इज इक्वल टू -25 cm. -25 cm सेंट्रल कर्वेचर इस तरफ होगा, जैसा हमने पहले एस्टिमेट किया था. आर नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव आया. अब हमें इस लेंस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, मेटेरियल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 4/3, एक सरफेस जो कर्व है उसके रेडियस कर्वेचर 25, एक सरफेस प्लेन है. नाउ वी विल ट्राई टू डिफाइन फर्स्ट एंड सेकेंड फोकल लेंथ. Depending on which refracting surface faces the incident ray first, the first and second principal foci are shown here. एक possibility discuss करते हैं. Case A, हम इसमें incident ray मानेंगे plane surface पर पहले आई और second curved surface पे बाद में गई. So अब देखिए, ये हमने यहाँ object रखा, यहाँ से ray जाके अगर यहाँ से refract हुई, यहाँ turn हुई, फिर यहाँ refracted और बाद में ये parallel हो गई, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट फोकस F1A. सिमिलरली अगर इस पे रे इन्फिनिटी से आ रही थी, ऑब्जेक्ट इन्फाइनिट पे कर दिया, तो ये फोकस हो रही, इमेज पास में आ गई, तो ये सेकेंड फोकस F2A. अब देखिए यहां बिल्कुल क्लियर विजिबल है कि यहां रे आई नॉर्मल इंसिडेंस, तो नो रिफ्रेक्शन, और यहां रिफ्रेक्शन हुआ, यहां रे गई. तो ये F1A, F2A मींस फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इन केस ए, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस इन केस बी. अब देखिए, केस में इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि जरूरी नहीं है दोनों फोकल लेंथ इक्वल हो, एंड अगर इस लेंस को इन्वर्ट कर दें केस बी, तो क्या होगा. अब देखिए, फर्स्ट फोकल लेंथ इसे डिफाइन होगी, यहां रे आई. अब इसको बाद में अगर पैरेलल होना है तो यहां नॉर्मल इंसिडेंस होना पड़ेगा, तो यही रे पैरेलल हो गई. F1B मींस फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ केस बी. Similarly, we can denote second principal focus of case B. अब second principal focus में क्या होगा, ray are coming from infinity, यहां से ऐसे turn हुई और यहां से फिर refraction किसी angle पर जाएंगे, दोबारा refraction होगा और यहां F2, तो ये F2B. Now we, अब देखो चार focal length है, क्या हमें चारों अलग अलग find करनी होगी या केवल एक से काम चल जाएगा या कोई सी दो calculate करनी होगी. Let us think about that. The first and the second focal lengths in both the cases may or may not be equal. अभी तो हम मान चलेंगे कि वो इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी. अगर इस केस में इक्वल आई तो इसका मतलब ये नहीं हमेशा इक्वल होती है, लेकिन इस केस में अनइक्वल आई तो इसका मतलब ये होगा कि कभी इक्वल हो भी सकती है और कभी नहीं भी. Now let us see here next one. Due to optical reversibility, the first principal focus focal length of case A is equal in magnitude to the second principal focal length of the case B. Optical reversibility. What is this? अगर रे की डायरेक्शन को हम कहीं भी रिवर्स कर दें तो अपने पाथ को रिट्रेस करती है. अगर आप जरा ध्यान से देखें, इस रे को मैं रिवर्स कर देता तो यहां से रे आती, तो ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था और यहां बनता,
तो ये क्या होता है, ये इसका सेकेंड फोकस होता है, और ये हिसाब से यू कैन सी इट मीन्स व्हाट ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी इज, वी कैन सी रिलेट दीज टू डायग्राम्स। अगर मैं इस रे को रिवर्स कर दूं यहां से तो ये जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे, तो यही तो डायग्राम बन गया। इट मीन्स F1A इज इक्वल टू F2B, F1A इज इक्वल टू F2B। इट मीन्स अब तो क्लियर हो गया कि हो सकता है हमें ये दोनों इक्वल हो, तो एक फोकल लेंथ ये निकालें तो ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। क्या ये दोनों भी इक्वल होंगी? अगर आप ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी देखें तो आप तुरंत कह देंगे दोनों इक्वल होंगी। क्यों? अगर मैं इस रे को रिवर्स कर दूं ऐसे, तो आप देखिए यही चीज बन गई। तो F1B is equal to F2A और F2A is equal to F1B, तो ये दोनों इक्वल होंगे ड्यू टू ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी। द सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ ऑफ केस ए इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ ऑफ केस बी। सो व्हाट वी हैव, F2A is equal to F1B. It means these two focal lengths are equal and these two focal lengths are equal. So we have to calculate only these two focal lengths. तो मतलब सारी focal length मिल गई। अब इन दोनों को देखेंगे, देखो equal आती या नहीं आती। What we can learn from here, note. Here, the focal lengths are measured from the plane surface for simplicity. अब देखिए, यहां में यहां से मेजर किया focal length, यहां में यहां से मेजर किया, यहां से मेजर किया, तो हर केस में मैं प्लेन सरफेस से मेजर किया। फॉर ऐसा नहीं है कि फोकल लेंथ को हम कहां से मेजर करेंगे, देयर आर रूल, बट यहां सिंपलिसिटी के लिए हमने ये प्लेन सरफेस से ले लिया। बट व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग, वी एनालाइज थिक लेंसेज बाय आइडिया दैट इमेज ऑफ द फर्स्ट रिफ्रैक्शन इज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड रिफ्रैक्शन। Thus, we are not going to define any UV equation so as the focal length. लहम यहाँ पर जैसे मिरर के लिए मिरर इक्वेशन बनाए, लेंस के लिए जो लेंस इक्वेशन आप जानते हैं 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon F, ऐसी कोई लेंस इक्वेशन हम थिक लेंस के लिए डिराइव नहीं करने जा रहे हैं। केवल थिक लेंस को हम कैसे डिसाइड करेंगे, फर्स्ट रिफ्रैक्शन से जो इमेज मिली वो सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अगर हमको यही चीज करना है तो हमें फोकल लेंथ नाम की टर्म यूज करने की जरूरत नहीं, केवल रेडाई ऑफ कर्वेचर से काम चल जाएगा। तो अगर फोकल लेंथ टर्म हम यूज ही नहीं करेंगे तो यहां पे इन फोकल लेंथ को हमें डिफाइन कहां से मेजर करें डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली व्हेन यू गो इन हायर क्लासेस दैट आइडिया इज बीन डिस्कस बाय द कार्डिनल पॉइंट्स। तो ले बट हम बियॉन्ड स्कोप कोर्स की बात क्यों करें, तो यहां ये एक एग्जांपल है कि हमने फोकल लेंथ को प्लेन सरफेस से मेजर किया, इट इज नॉट ए रूल, सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस फोकल लेंथ ऑफ केस ए, अब केस ए की दोनों फोकल लेंथ फाइंड कर लें, वो केस बी के लिए भी क्लियर हो गया। ये आइडिया था, फर्स्ट मीन्स ऑब्जेक्ट पास में है, यहां से रे गई, यहां रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहां रिफ्लेक्शन हुआ, उसके बाद ये पैरेलल हो गई। नाउ हाउ वी एनालाइज, लेट अस रीड्रॉ द डायग्राम ऑन सम बिगर स्केल। फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट द प्लेन सरफेस, सी हियर, तो ये एफ वन यहां पॉइंट सोर्स रखा, ये डिस्टेंस यू वन, ये रे यहां से गई। अब देखिए ऑब्लिक इंसिडेंस है नॉर्मल, तो ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बैठ जाएगी ई वन, तो इस रे को बैक एक्शन करेंगे तो यहां इसकी इमेज मिलेगी दिस, ये तो ये इमेज क्या मिली पहले इस रिफ्रैक्शन से जो इमेज मिली इसको V1 बोल दिया। नेक्स्ट नाउ एंड ये रिफ्रैक्शन काउंट करने से पहले हम पहले इसको कैलकुलेट कर लें, तो इसके लिए साइन कन्वेंशन क्या होगा, टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव, तो U1 की जो वैल्यू होगी वही फोकल लेंथ है F1A, तो उसको माइनस में रखेंगे, तो U1 इज इक्वल टू माइनस F1A and r is equal to infinity, r1 is infinity. Now let us substitute the values, mu we have found 4/3, so mu by v1 minus 1 by u1 is equal to mu minus 1 by r1, yahan humne simplify kar diya, second medium jisme ki ray refraction ke baad ja rahi hai wo yahan v ke upar aata hai aur ye a hai to 1, so mu by v1 up minus 1 by u1 is equal to mu minus 1 by r1. Let us substitute the values of
u1 v1 एंड r1। एक्चुअली व्हाट यू फाइंड, v1 को हमें क्या करना है, v1 फाइंड करना है, तो u1 की वैल्यू रखनी है और r1 की, और म्यू मालूम है 4/3। सो 4/3 अपॉन 3, ये दिस v1 माइनस 1 अपॉन माइनस f1 है, जो सी हियर अगेन 4/3 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, सो ये तो जीरो होगा। नाउ फ्रॉम हियर यू कैन वेरी इजिली फाइंड व्हाट इज v1। v1 इज 4f1/3 विद माइनस साइन, बिकॉज ये प्लस हो जाएगा तो v1 इधर और ये 4f1/3। सो v1 वी टू फाइंड माइनस, और ऑब्वियसली माइनस में आना चाहिए था। अब v1 मिल गया तो पहला काम है सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए u2 फाइंड करना। अब देखिए v1 का मॉड ये 4f1a/3 प्लस t कर देंगे। इमेज ऑफ द फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड रिफ्लेक्शन, फर्स्ट ये, तो यहां से ये अब सेकेंड रिफ्लेक्शन जो यहां होने वाला है उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। नाउ यू कैन सी दिस u2, यहां से देख लें u2 साफ दिख रहा है, दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, और यू कैन सी दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू u2। यहां बिल्कुल क्लियर लग रहा है साइन कन्वेंशन नहीं यूज होगा। सो व्हाट इज u2 इज इक्वल टू v1 मॉड प्लस t, सो 4f1a/3 प्लस 4, सो दैट इज व्हाट u2। अब u2 की वैल्यू जब इस रिफ्लेक्शन के हम रिफ्लेक्शन इक्वेशन रखेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म माइनस में रखना पड़ेगा। सो सेकेंड रिफ्लेक्शन एट द कर्व सरफेस, इसके लिए भी साइन कन्वेंशन टुवर्ड्स, ये रे इधर चली गई, साइन कन्वेंशन क्या होगा, टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव। सो लेट अस सी u2 इज इक्वल टू, अब देखिए ये पूरी की पूरी वैल्यू ब्रैकेट में करके माइनस साइन के साथ, एंड r2 इज इक्वल टू -25 हमने कैलकुलेट किया था, तो इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखिए आप ये साइन कन्वेंशन, r2 सेंटर पर इधर कहीं होगा, इधर मेजर करना होगा तो r2 नेगेटिव, एंड v2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जस्ट सी हियर ये यहां इन्फिनिटी में जाएंगी या पीछे बैक करें तो भी इन्फिनिटी, सो v2 इज आइदर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, इट डजंट मैटर व्हाट यू टेक प्लस और माइनस, बिकॉज इसको डिनोमिनेटर माना है वो उस टर्म को जीरो कर देगा। सो 1 अपॉन v2 माइनस म्यू अपॉन u2 इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू अपॉन r, लेट अस अंडरस्टैंड। अब देखिए जो रिफ्रैक्शन के बाद जो रे गई वो सेकेंड वो v के ऊपर आता है तो 1, एंड इंसिडेंट रे कहां है वो u के ऊपर आएगा, सो म्यू, तो 1/v2 माइनस म्यू बाई u1 एंड अगेन 1 माइनस म्यू बाई r2। नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, सो 1/∞ माइनस 4/3 अपॉन दिस वैल्यू, यू कैन सी माइनस 4f1a/3 प्लस 4, अगेन इज द 1 माइनस 4/3 एंड वैल्यू ऑफ r2 इज यू कैन सी हियर -25, एंड इफ यू सी दिस इक्वेशन द ओनली अननोन इज f1a एंड यू कैन फाइंड दिस वैल्यू, एंड ये सॉल्यूशन मैं आपके लिए छोड़ूंगा। So F1A is 72 centimeter. That is first focal length in case A or second focal length of case B. Now we have to found F1A. अब हमारे पास अगला काम है second principal focal length of case A वो find करना। Second principal focal length of case A means second principal focal length, तो second principal focal length में क्या होगा, image will be at focus, पास में होगी, and object will be at infinity, it means infinite distance से ray आती parallel beam अगर जिस point पर focus होगी that will be called second focal length, so in this way you can define second focal length। अब देखिए infinite से rays आ रही है और यहां इस जिस point focus हुई वो second focal length, how we can analyze it, इसके लिए अगेन इस डायग्राम को थोड़े बड़े स्केल बनाएंगे, बट फॉर व्हाट वी टू सी वी टू कंसीडर फर्स्ट रिफ्रेक्शन हियर, बट हियर यू कैन सी द रेज आर इंसिडेंट नॉर्मल, तो यहां रिफ्रेक्शन होगा ही नहीं, तो ये इस सरफेस के लिए जो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट था वही इमेज का काम करेगा। ड्यू टू नॉर्मल इंसिडेंस देर इज नो रिफ्रेक्शन, सो द इमेज इज ऑब्टेंड एट -∞ और प्लस इन्फिनिटी, वैसे हम माइनस इन्फिनिटी ले लें, यहां ऑब्जेक्ट होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वही इमेज। सो नाउ वी कैन सी हियर इमेज ऑफ द फर्स्ट रिफ्रैक्शन इज ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड रिफ्रैक्शन,
ये जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था वही अब इसके लिए इमेज है, तो उसको हम ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर करेंगे। यू टू इज इक्वल टू माइनस में टी प्लस टी इज इक्वल, तो ये यू टू क्या हो गया है? अब इन्फिनिटी में इस टी थिकनेस को ऐड करेंगे, इट मेक नो डिफरेंस, सो जीरो। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हम इस टी को इग्नोर कर पा रहे हैं इन्फिनिटी के, तो इसको थिन लेंस ले लेंगे, नो, इट इज अगेन कॉल्ड थिक लेंस। साइन कन्वेंशन टुवर्ड्स राइट इज पॉजिटिव, सो यू टू इज माइनस इन्फिनिटी एंड आर टू इज माइनस 25 बिकॉज इस रे के अपोजिट है, एंड वी टू इज वॉट दैट इज एफ टू ए, और ये प्लस में होगा यहाँ दिखाई दे रहा है। और वैसे हमें यहाँ पे ये मैं सोचिए प्लस में था इस रख दिया, हमने रख दिया, इसको नेगेटिव आना होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा बिकॉज हम बाकी सारी वैल्यूज विद साइन रख रहे हैं, केवल वी टू अननोन है उसका ये मॉड्यूलस रखा है, तो अगर माइनस आना हो तो माइनस में आ जाएगा। सो वन अपॉन वी टू माइनस म्यू बाई यू टू इज इक्वल टू वन माइनस म्यू बाई आर, वाई दिस। अब देखिए ये मीडियम जो म्यू है उसमें इंसिडेंट रहे इस रिफ्रैक्शन के लिए, तो यू के ऊपर ही आया, एंड रिफ्रैक्टेड रे किस में, एयर में, तो ये वन, तो ये ऑर्डर क्लियर हो गया। एंड ये टू इज फॉर द सेकेंड रिफ्रैक्शन, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ म्यू वी टू एंड यू, सो वन अपॉन एफ टू ए माइनस फोर बाई थ्री अपॉन माइनस ए दैट इज इन्फिनिटी, एंड इज वन बाई फोर बाई थ्री अपॉन माइनस 25, सो दिस टर्म विल बिकम जीरो अगेन। एफ टू ए इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट एंड यू विल वेरीफाई दिस, एफ टू ए इज 75 सेंटीमीटर, सो दीज टू फोकल लेंस आर नॉट इक्वल। सो इन थिक लेंस द फर्स्ट फोकल लेंथ एंड द सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ मे और मे नॉट बी इक्वल, देयर मे बी सिचुएशन हो सकता है इक्वल हो, बट इन जनरल आपको इन दोनों फोकल लेंस को इक्वल नहीं लेना है। सो दैट वॉज द आइडिया, एंड लेट अस कम डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 4। ए क्वार्टर पीस ऑफ ए सिलिंड्रिकल सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 इज प्लेस्ड ऑन ए टेबल एज शोन। ए पॉइंट सोर्स एस इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस एम आर फ्रॉम द प्लेन सरफेस, फाइंड वैल्यू ऑफ एम फॉर विच। लाइट रेज इमर्जिंग फ्रॉम द सोर्स एस इन ए वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इंसिडेंट एट वेरी स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द प्लेन सरफेस इमर्ज फ्रॉम द कर्व सरफेस पैरेलल टू द टेबल टॉप। नाउ लेट अस सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, दिस डायग्राम इज गिवन, सो दिस स्टेटमेंट दैट इज वेरी लॉन्ग सेंटेंस, इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। क्या दिया है, ये क्वार्टर सरफेस ऐसे रखा है, इसकी क्वार्टर मीन्स तो ये भी आर होगा और ये भी आर होगा, सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज थिक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और इसके प्लेन सरफेस से m इंटू आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट सोर्स रखा। हियर m वी हैव शोन ग्रेटर देन 1 डायग्राम, इट मे बी स्मॉलर देन 1। सो व्हाट इज हियर, फाइंड वैल्यू ऑफ m फॉर विच लाइट रेज इमर्जिंग फ्रॉम द सोर्स s इन द वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस ही होगा, इस वर्टिकल प्लेन की ये रे लिया, इंसिडेंट एट वेरी स्मॉल एंगल मीन्स ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा होने के लिए इसको पास माना पड़ेगा, इट मीन्स इंसिडेंट एट वेरी स्मॉल एंगल मीन्स देयर इज हिंट यू हैव टू कंसिडर ओनली पेरेक्सियल रेज। अब प्लेन सरफेस पे आई और इससे निकलने के बाद टेबल टॉप के पैरेलल हो जाए, सो दैट वॉज द प्रॉब्लम टू सॉल्व हियर। सो वॉट वी डू हियर, फर्स्ट वी ट्राई टू कंसिडर द रे डायग्राम, तो इस डायग्राम को थोड़ा बड़े स्केल पर ले लें, तो एस से एक रे हम यहां निकलती हुई मान लें, ये देखिए ये, तो ये यहां जाने के बाद नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, थोड़ा सा अंदर मुड़ गई, इस रे को पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहां कहीं इसकी इमेज मिलेगी, दिस पी को इमेज बोल दी, अब ये वर्चुअल इमेज है, तो ये इमेज जो फर्स्ट रिफ्रेक्शन से मिली इस सेकेंड रिफ्रेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। सो दिस, अब देखिए यहां से आपको लग रहा है कि थिकनेस हम आर लें या ये लें, ये डायग्राम कंफ्यूज करेगा, आप ध्यान दें ये डायग्राम में ये सारी रेज क्लियरली अलग अलग डिस्टिंक्ट दिखाई दे, इसलिए हमने एंगल बढ़ा लिया है, अगर हम इसको बहुत पास ले लेते तो ये डैश लाइन ये रेज सब इतनी मर्ज हो जाती कि डायग्राम में क्लियरिटी नहीं रहती, तो जनरली डायग्राम में क्लियरिटी शो करने के लिए रे हम मार्जिनल रे दिखाएंगे, बट वी हैव टू कंसिडर ऑलवेज पेरिफेरल रेज, द रेज विच आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस
and almost parallel to basal axis. Now let's see. So that is the idea what we have discussed. Now let us try to analyze situation. ये पैरेलल इट मीन्स अब देखिए ये जो सेकेंड रिफ्लेक्शन हुआ तो इसके हम कह सकते हैं आइदर इमेज इज एट हियर इन्फिनिटी और इमेज इज हियर एट इन्फिनिटी. तो फर्स्ट सरफेस के लिए हमें सारी बात मिल गई दैट इज यू वन एंड यहाँ से वी वन मिलेगा तो वी वन प्लस ये आर इस सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए यू टू हो जाएगा और वी टू इन्फिनिटी है और रेडियस कर्वेचर मालूम है तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज देयर एंड नाउ जस्ट वी हैव टू एनालाइज सिचुएशन. वो जो डायग्राम हमने बनाया उसको रिप्रोड्यूस किया. नाउ लेट अस कम हियर. फर्स्ट रिफ्रेक्शन एट द प्लेन सरफेस. साइन कन्वेंशन टुवर्ड्स राइट इज पॉजिटिव सो यू वन इज माइनस एम आर. वी वन हमें फाइंड करना है एंड रेडियस कर्वेचर इज इन्फिनिटी एंड आर इज वन इज इक्वल टू इन्फिनिटी. नाउ लेट अस सी द इक्वेशन. म्यू बाई वी वन माइनस वन बाई यू वन इज इक्वल टू म्यू माइनस वन बाई आर वन. वाई इट इज म्यू बिकॉज हियर वी के ऊपर कौन सा मीडियम का आर आई होता है जिसमें रिफ्रेक्टेड रे है तो ये रिफ्रेक्टेड रे म्यू में है और इंसिडेंट रे वन में. सो दिस आइडिया इज क्लियर. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. सो म्यू अपॉन वी वन माइनस वन अपॉन माइनस एम आर देखिए यू वन की वैल्यू and mu minus 1 upon this infinity, so this term will become 0. So from here we can find v1 is equal to minus mu mr, because ye plus ho jayega fir idhar shift karenge to minus, so v1 is minus mu mr and v1 jo hua ye yahan se yahan tak distance ye distance mu mr hoga. Can see this way. To ab yahan se aap is refraction ke liye ab dekhiye actually ye preaxial rays hai तो ये रे यहां कहीं होगी. अगर यहां कहीं है तो ये थिकनेस आप आर ही लेंगे. कई बार स्टूडेंट इस पॉइंट को देख कंफ्यूज होते हैं सर ये तो यहां पे आर कैसे ले सकते हैं. बट ये तो हमने डायग्राम क्लियर करने के लिए उतना बड़ा एंगल लिया है ना ये. बट एक्चुअली पेरेक्सिल इज बहुत स्मॉल एंगल लेना ये ऑलमोस्ट यहां पे. अगर ये सेकेंड रे यहां आती थी यहां रिफ्लेक्शन होता तो आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट आर होगा. तो जो इस सरफेस के लिए रिफ्लेक्शन के लिए जो यू टू फाइंड करेंगे वो क्या होगा म्यू एम आर प्लस आर. A virtual image at P is obtained. ये देखिए P पे virtual image मिली and this image is the object for the curved surface. Curved surface में जो रिफ्लेक्शन होगा उसके लिए इमेज जो P है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी. तो वी टू फाइंड कर यू टू फाइंड करते हैं वॉट आर प्लस म्यू एम आर. सो यू टू इज इक्वल टू मॉड ऑफ v1 प्लस टी. सो म्यू एम आर प्लस आर ये प्लस में होगा. अब यहाँ पे इस फॉर्मूले पे इतना रिलाई मत करें. यू सी द डिस्टेंस हियर एंड सिंपली डिस्टेंस प्लस माइनस वाली वो एड कर दें क्योंकि यहां आपको साइन कन्वेंशन यूज नहीं करने हैं. सेकेंड रिफ्लेक्शन एट द कर्व्ड सरफेस. नाउ व्हाट द साइन कन्वेंशन टुवर्ड्स राइट अगेन पॉजिटिव. सो यू टू इज ये पूरी वैल्यू माइनस में आएगी माइनस म्यू प्लस वन ये आर हमने कॉमन ले लिया. यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर ये आर कॉमन तो म्यू एम प्लस वन एंड इन टू आर एंड विद माइनस साइन यू टू डिसाइड हो गया. देन आर टू इज माइनस आर ये डिसाइड हो गया एंड वी टू मालूम है इन्फिनिटी आइदर प्लस और माइनस इट डजंट मैटर बिकॉज जिस जहां भी आएगा ये प्लस भी ले सकते हैं माइनस तो कैलकुलेशन में फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस टर्म को इसको जीरो करना है. सो वन अपॉन वी टू माइनस म्यू बाई यू टू इज इक्वल टू वन माइनस म्यू बाई आर लेट अस सी बाई ये जो रिफ्रेक्टेड रे है एयर में है तो ये वन और इंसिडेंट रे म्यू में है तो ये म्यू. सो नाउ पुट द वैल्यूज. वन बाई माइनस इन्फिनिटी माइनस म्यू बाई विद दिस वैल्यू माइनस म्यू एम प्लस वन आर एंड दिस वन माइनस म्यू बाई माइनस आर. तो अब देखिए ये प्लस हो गया बट यहाँ म्यू माइनस वन अपन आर कर दें इसको एंड आर एंड आर विल कैंसिल एंड बाई सॉल्विंग दिस व्हाट यू गेट हियर म्यू एम इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस वन एंड बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ म्यू म्यू जो हमने फाइंड किया 1.5 दिया हुआ है. तो अगर ये 1.5 रखें क्या होगा 1.5 माइनस 1.5 एंड 1.5 मीन्स हाफ ऑफ 1.5 मीन्स दैट इज हाउ मच 3/4 तो ये 4 ऊपर चला गया 4/3 सो एम इज इक्वल टू 4/3. नाउ ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिए है फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक मोर क्वेश्चन बट यू कैन सी इन एवरी क्वेश्चन
you had to practice one thing. Image of the first refraction is object for the second refraction. And you have to be very careful about sign convention. साइन कन्वेंशन में बहुत केयरफुल रहने के साथ एक बात और, जो रिफ्रैक्शन इक्वेशन है या जो मिरर इक्वेशन हमने निकाली है उसमें और मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला, इसके अलावा साइन कन्वेंशन कहीं नहीं फाइंड करना। बाकी और चीज़ों के लिए ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस जहाँ कंसिडर करनी है वहाँ ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस कंसिडर करें। एंड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, दीज टर्म्स आर वेरी रेयरली यूज, बहुत कम यूज होगी, तो इनमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं, एक बार अपने आइडियाज पक्के कर लें। आज की बात हम यही कंक्लूड करते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट होमवर्क, होम असाइनमेंट। फर्स्ट, रिवाइज ऑल द आइडियाज एंड एग्जाम्पल डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर एंड प्रैक्टिस फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम SCV चैप्टर 18। अब देखिए, इसमें हम 37 तक शायद कर चुके हैं। नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे उस पर बेस्ड है 38 to 46। So please attempt this problem 38 to 46. In next class, we'll start discussing about the lenses. And after discussion of lenses, geometrical optics will almost be completed for advanced examination. Advanced exam mein lens tak hi hai, optical instrument and eyes, defect of eyes, ye ideas mains exam mein hai. To pehle advanced exam ka syllabus lens tak cover karne ke baad, then we go topics which are in mains examination. Thank you today for a patient listening. We'll meet in the next class. I am never content until I have conceived a model of what I am studying. If I succeed in making one, I understand. Otherwise, I do not. Sir Lord Kelvin.